अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सिविलाइज एजुकेशन सिस्टम। दिस लेक्चर फॉर क्लास 7 एंड 8 स्टूडेंट्स, आवर सब्जेक्ट इज साइंस। लेक्चर नंबर 1, आवर टॉपिक इज सस्टेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट जैसे कि वर्ड से जाहिर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, अब इसमें मटेरियल्स जो हैं एक प्लांट्स के या एनिमल के या ह्यूमंस के, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको जरूरत क्या चीज़ की होती है कि आपके पास ऐसा कोई रास्ता हो, वास्ता हो, ट्रांसपोर्ट मटेरियल हो जिसकी मदद से आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी तक जो भी आप जिंदा रहने के लिए आप भी न्यूट्रिशन जो भी लेते हैं खाते हैं तो वो पहुंचने का जरिया हो। सेकंड है, फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी फॉर रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ। अब जो भी गजा आप खाते हैं, जो हम पहले भी लास्ट चैप्टर में जो है पढ़ चुके प्रीवियस में, फूड एंड ऑक्सीजन जो है दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट क्या करती हैं, पूरे हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक रिस्पायरेशन जो है, हमारे सांस लेने का जो निज़ाम तनफ्फुस है उसको जो है वो हेल्प करती हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ को जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये सिस्टम जो हुआ आपका पूरा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट देम। अब इसके बाद एक और ट्रांसपोर्टेड क्या होता है, वो ये होता है कि जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपके सेल से जो है ऑर्गन्स जो है उसको एक्सक्रीट जो है कर देता है। इसके अलावा देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स का अपना एक जो है वो मेथड है, एनिमल्स का अपना होता है, ह्यूमंस का अपना एक मेथड है जो अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, उसकी मदद से जो है हर जो है मटेरियल उनकी बॉडी का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स का अपना एक सिस्टम है, एनिमल्स का अपना एक अलग सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा, पैरामीजियम्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा इज वेरी सिंपल। द न्यूट्रिएंट्स रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन इन सिंपल एक्वेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड जेलीफिश। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर दैट सर्कुलेट थ्रू देयर बॉडीज। अब एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट होती है न्यूट्रिएंट्स किस तरह से होती है, इनके ऑर्गेनिज्म में अमीबा के जरिए होती है, पैरामीजियम के जरिए, बैक्टीरिया जितने भी हैं ये सारे इनकी बॉडीज में इनका अपना एक पार्ट है, इनका अपना एक तरीकेकार है। इसी तरीके से दूसरे जो आपके एनिमल्स हैं उनमें जो है जेलीफिश भी है, इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके जरिए से, पानी के जरिए से और उनकी बॉडी के जरिए जो है मिलकर वो एक तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। अब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर और फूड, आपको पता है मिलकर जो है वो अपना जो है काम करते हैं, अपनी गजा बनाते हैं, इनके स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं स्पेशल, जिनको जो है जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ये स्पेशली जो टिश्यूज होते हैं दीज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यूज ऑल्सो, दे आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। आप पूरी बॉडी के अंदर थ्रू द बॉडी जो है उनके प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें ये पाए जाते हैं और ये अपनी बॉडी को जो है वो काम को, अपने वर्क को जो है अपनी गजा को तैयार करते हैं। इसी तरीके से अब जब ये अपनी गजा को तैयार करते हैं तो इनके मुख्तलिफ प्लांट्स के जो है वो पार्ट्स हैं। अब इसका सबसे पहले जो है जाहिर सी बात है, जब गजा तैयार होती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, सबसे पहले इनकी जो गजा जो स्टार्ट होनी शुरू होती है वो रूट से होती है। ईच रूट टिप इज अ ग्रोइंग जोन, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर एक्टिवली डिवाइडिंग टू फॉर्म न्यू सेल्स, दीज सेल्स आर सेड टू बी मेरिस्टेमेटिक। अब ये जितने भी रूट्स हैं, अब जड़ें जिसे हम कहते हैं, वहां से इनका ग्रोइंग जोन जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें इनके सेल्स का जो एक पूरा रीजन होता है जहां से वो काम करना शुरू करता है, अपने आप को डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है और इन सेल्स को जो है हम मेरिस्टेमेटिक भी कहते हैं। यहां से आपके जो है रूट्स का काम स्टार्ट हो जाता है। अब रूट्स का जब काम आपका स्टार्ट हो जाता है तो रूट्स के भी अपने जो है वो फोर पार्ट्स हैं, यानी कि रूट्स अकेला नहीं है, एक रूट के भी फोर पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट आपका जो है वो प्रीफेरियस लेयर है, सेकंड कॉर्टेक्स है, थर्ड वेस्कुलर टिश्यूज है और फोर्थ जो है द पिथ है। इसके बारे में जो है हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है बात करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।